पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मंगलवार को भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल आर के राणा से मिलने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। इस दौरान जनरल राणा और उनकी पत्नी राजेश्वरी राणा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का भव्य स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस दौरान जनरल राणा के भाई मेजर विनोद राणा को याद किया, जो कि साल 2002 में कश्मीर में शहीद हुए थे। जनरल राणा ने पूर्व मुख्यमंत्री से कश्मीर के ताजा हालात पर चर्चा की और भारतीय सेना के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन की जानकारी भी दी। यूएन लोकसभा चुनाव के मौके पर सेना के रिटायर्ड जनरल से मुलाकात पर राजनीति गर्म हो गई है, लेकिन शिवराज सिंह ने इस मुलाकात को एक औपचारिक मुलाकात बताया। इस केवल राजनेता नहीं बनाते, देश बनाते हैं, देश के लोग मिलके जब काम करते हैं। और राणा साहब सेना के ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन पर देश गर्व करता है, हम गर्व करते हैं सब। उनके परिवार ने भी शहादत दी है और आज मैं अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने राणा साहब के पास आया। मैडम राजेश्वरी राणा वो न केवल पढ़ाती हैं बल्कि समाज सेविका भी हैं, और ये आदर और श्रद्धा जो मैं व्यक्त करने आया हूँ उनके प्रति तो है ही, लेकिन ये अपनी सेना के प्रति भी है। आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ के फेंका जाए, आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर इस तरह की ज़रूरत ना करें। और प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ते नहीं हैं। और अब सेना को खुली छूट दी है कब कहाँ और कैसे करना, और ये गर्व का विषय है कि शहादत दे के भी जो दुर्दांत आतंकवादी थे, मास्टरमाइंड थे, उनको मार गिराया गया है।